हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी बच्चों 10th क्लास है और 10th क्लास में हम देख रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स और उसी का पहले चैप्टर का हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग सेकेंड चैप्टर को इसमें अपना कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, गौर करके देखेंगे। और अभी जितना हमने एक चैप्टर इसमें पढ़ लिया था, तो अगर कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा। मैंने कुछ छोटी सी अब वो क्वेरी आपको दी थी और मैंने ये कहा था कि जो आपकी नर्मदा नदी है किस राज्य में बहती है और कौन से लोग उसका अब आपका विरोध कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको घर से ढूंढ कर लाना था। क्लियर है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसको घर से ढूंढा इस आंसर को, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी जो हम बांध की बात करते हैं बेसिकली, वो आपका मध्य प्रदेश में आपका डिस्प्यूट वाला बांध है, उसको देख रहे थे। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो बच्चों, ये है आपका आदिवासी लोग नर्मदा नदी के जो बांध बन रहा है उस बांध की ऊंचाई को लेकर लोग क्या कर रहे हैं, विरोध, यानी कि अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक, ये है पूरा इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक, आइए तो हमने लक्ष्य के विषय में देखा कि एक के लिए जो आपका लक्ष्य है क्या क्या है, कैसे सुनिश्चितता है, इसके विषय में हम लोग अपने चैप्टर में एक लेक्चर में इसे गौर कर कर आपका हम पूरा अच्छे से आपका देख चुके हैं। आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं और एक एक गौर करके हम लोग इसको देखेंगे और इस तरह से। चलिए तो पहला इसमें जो अब है इसको देखना शुरू करते हैं। अब कह रहे हैं आय और अन्य लक्ष्य। क्या है? आय और अन्य लक्ष्य। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 को देखेंगे तो एक बात पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अन्य उत्पाद के लिए अच्छी कीमतें मिले। लोग क्या चाहते हैं, ध्यान देना है आपको, लोगों की जरूरत है कि उनको एक समान एक बात पाते हैं। सब लोग क्या चाहते हैं कि सबको रोज काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले और अपनी उपज की जो कीमतें हैं वो अच्छी मिले। और अगर दूसरे शब्दों में जाए, सब ज्यादा आय चाहते हैं। तो ये जो कॉमन है ये सब लोगों का है कि क्या हो, हमको आय जो हमको लक्ष्य है वो कॉमन मिले, यानी कि जो लोगों की चाहते हैं वो कैसी हैं, वो सब एक समान है। किस मुद्दों पर? इस मुद्दे पर जो मैंने आपको बताया है। ठीक, क्लियर है? ये आपने देखा होगा तो सबकी क्या कोशिश है कि हमको आय कैसी मिले, एक सुनिश्चित मिले। ठीक, और यही सबकी चाह है। ठीक, अब उस चाह के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, समानता, सुरक्षा और दूसरों से मिलने वाले इच्छा को रखते हैं। देखिए क्या कोशिश है लोगों की, उनको क्या मिले, किस तरह का व्यवहार वो आपका चाहते हैं। तो व्यवहार है कि ज्यादा आय हमको मिले और इसका अतिरिक्त लोग हमें क्या देखें, आपके बराबरी का व्यवहार करें, समानता और सुरक्षा का व्यवहार दें और दूसरों से मिलने वाले आदर की भी इच्छा रखें। ये अगर इस तरह का काम करते हैं तो ये सारी चीजें, वे भेदभाव से आकर्षण होते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ लक्ष्यों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कैसे हैं? अधिक आय कमा सकते हैं, अधिक उपभोक्ता हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकते हैं, क्योंकि जीवन के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। कह रहे जीवन जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही आपकी जो हैं पर्याप्त नहीं है। ठीक, ये हमको देखना है। द्रव्य या उसे खरीदे जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हम जीवन भर निर्भर करते हैं, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी आप भौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर रहता है। कह रहे हैं जो ये सारी चीजें हैं इस पर लिखी जो आप भौतिक वस्तुएं हैं इन पर सब आपका निर्भर रहता है और इन सारी चीजों को आपका चलता है। तो आपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए कि जो अपने मित्र हैं उनकी भूमिका के बारे में जरा सा सोचिए और उन पर विचार करिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है या इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन
अपने आप से माप नहीं जा सकता। देखिए, आप उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है, लेकिन आप उसे माप नहीं सकते कि आपने कितनी मित्रता है, कैसे मित्रता है। तो कुछ चीजों की जो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, पैमाइश नहीं है। क्या नहीं है? पैमाइश नहीं है। ठीक, ये आपको देखना है। इतना मैं उम्मीद करता हूं आपने देख भी लिया होगा। यहां तक देखने के बाद, लेकिन उनके जीवन में बहुत महत्व है, उनकी उपेक्षा कर दी जाती है। लेकिन यह है, निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि आप जिसे माप नहीं जाता वह महत्वपूर्ण नहीं है। अब कह रहे हैं आप ये निष्कर्ष मत निकाल लीजिए कि जिसको आप माप नहीं सकते उसका कोई आपका क्या निकलता, कोई महत्व नहीं होता, ऐसा ना सोचे। चलिए, इतना देख चुके हैं, इससे आगे बढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़े। तो ये है आपका सरदार सरोवर बांध के जो ऊंचाई को लेकर जो आपका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, धरने दे रहे हैं, ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। एक उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाकों में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि दूर दराज के कई ऐसे क्षेत्र हैं, इलाकों में जहां आपको नौकरी मिलती है, उससे आप स्वीकार करने से पहले आय के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिन पर विचार करेंगे। मान लीजिए आप इंजीनियर हैं और आपकी जॉब कहीं बाहर लग गई है, ठीक? तो आप सबसे पहले आय तो चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन आय के साथ आप क्या देखेंगे? वहां देखेंगे वहां सुविधा कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का वातावरण कैसा है, वर्किंग एनवायरमेंट क्या है, क्या मैं घर कितने दिन में आ सकता हूं वहां, ये सारे माहौल चेक करते हैं, सुरक्षा की भावना को देखते हैं। इसीलिए जब भी किसी की जॉब लगती है तो वो आय के अतिरिक्त बहुत सारे फैक्टरों को ढूंढता है, ऐसा नहीं केवल बाप का पैसे के लिए जॉब करता है, ठीक? तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक और तथ्य हैं जिन पर वो विचार करते हैं। आइए इनको समझते हैं, कोशिश करते हैं। जैसा कि आप पहले परिवार के लिए सुविधा उपलब्ध होगी, पहली कोशिश क्या है कि भाई जो मेरी फैमिली है उसके लिए क्या सुविधा आई है, हमको देखना पड़ेगा। काम का वातावरण कैसा होगा, सीखने के दूर के अवसर क्या हैं, नौकरियों में यदि भी आप रोजगार में कम वेतन मिलता है यह नियमित रोजगार हो सकता है, आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ा सकते हैं, यह अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती हैं, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं है। हो सकता है आप परिवार के लिए पर्याप्त समय ना मिले, आपकी सुरक्षा स्वतंत्रता की भावना कम हो जाए। कैसी है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना जो है कम हो जाए। इसी तरह विकास के लिए लोग मिलते जुलते और लक्ष्य को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करेंगी तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। यह भी सच है कि महिला के लिए आदर है तो उनके घर में कामकाज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा, घर से बाहर वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण से ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरी और व्यवसाय कर सकती हैं। इस प्रकार लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय नहीं बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी हैं। ऐसा नहीं केवल वो आपकी आय बढ़ाना चाहते हैं, नहीं, वो क्या चाहते हैं, संरक्षित वातावरण मिले, ठीक, महिलाओं को अधिक चीजें मिले, काम काज बटाने में अधिकार मिले, उनको आदर बढ़े, ठीक, समाज में। तो सारी चीजें ऐसे हैं, बेहतर लक्ष्यों के विकास के मुद्दे खुले, तो सारे लक्ष्य ऐसे हैं जो इस फैक्टर पर काम करते हैं। तो आपको उन सब लक्ष्यों के विषय में बात,
देख लिया। चलिए, आपने जितना अभी तक देखा है इसमें पूरे में कुछ पूछना है आप पूछिए, 30 सेकंड का समय है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। राष्ट्रीय विकास, जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि यदि लोग लक्ष्य के विभिन्न हैं, उनकी राष्ट्रीय आय के बारे में धारणा भी विभिन्न है। इससे आप विषय में चर्चा करें, भारत के विकास का क्या करना है। संभव कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए हो सकते हैं। स्वयं इन प्रश्नों से बहुत से उत्तर सोचे होंगे, उनमें से किसी एक के विषय में आप भी यह निश्चित नहीं होंगे कि यह समझ पाना मुश्किल है कि देश के विकास के विभिन्न लोगों की धारणाएं विभिन्न विभिन्न परस्पर विरोधी हो सकती है। कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए जो अलग अलग विषय हैं आप उनको सोचते हैं, उनकी धारणाएं परस्पर एक दूसरे से आपका विरोधास्पद हो सकती हैं, अलग अलग चीजों के रूप में उनके सामने हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए, ठीक, क्लियर है। देख लिया, चलिए, तो ये सारे चीजें हैं। लेकिन क्या आप सभी विचारों को बराबर महत्व दे सकता है? यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे लिया जाए? सभी के लिए महत्वपूर्ण और सही रहा होगी। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या करने से, क्या कोई तरीका है जिससे विचार करें उन लोगों को राष्ट्रीय आय के विकास में अवधारणा बने। इन सब चीजों पर हमको देखने की, गौर करने की, इन सारी बातों को समझने की बहुत बड़ी जरूरत है, ठीक। तो क्या है, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं। अब देखिए, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? कह रहे जो आपके विभिन्न देश हैं और जो राज्य हैं उनकी तुलना कैसे की जाए, इन सभी पर हम लोग आपका विचार करते हैं और एक एक करके इन सारे विचारों पर हम लोग बात भी करते हैं कि क्या है। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? कह रहे अलग अलग राज्य हैं, हम उनकी तुलना कैसे करें, इस बात से आइए इसको हम सबसे पहले देखते हैं। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं तो फिर कुछ देश को विकसित और कुछ देश को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? ये बात भी सही है कि आप कैसे कहेंगे कुछ देश जो हैं वो आपके विकसित हैं और कुछ को आप अविकसित कैसे कह सकते हैं। इससे पहले हम इस विषय पर आएंगे कि एक प्रश्न के बारे में सोचें। जब हम विभिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उनमें समानताएं और अंतर दोनों ही हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों को देखते हैं, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वार्थ विद्यार्थी सबसे बड़ा पढ़ाकू, अरे सबसे बड़ा आपका पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है, ठीक। मित्रता व्यवहार ना रखते हो तो हम विद्यार्थी की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करते हैं उसकी तुलना उद्देश्य पर आपका निर्भर करेंगे। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक के लिए टीम, सबके लिए टीम का चयन का मापदंड अलग होंगे। फिर भी हम किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों के सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहते हैं और उसकी तुलना करते हैं। क्या चाहते हैं? एक मानक मिले, एक सारी चीजें मिले, ये सारी प्रगति, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे से आपका चाहते हैं। देख लिया, सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो, एक से अधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण है, विशिष्ट चुनौतियां दी जाएंगी, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार,
और सहयोग की भावना उनकी रचनात्मक या उनकी उनके द्वारा प्राप्त अंक हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग उनको देखते हैं कि भावना क्या है, रचनात्मक क्या चीज़ें हैं, कैसी उनकी दृष्टि है। इन सब पर हम लोग एक एक करके अपना विचार करते हैं और उनकी बात करते हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है कि देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है, लेकिन देशों की आय अधिक है या कम वाले क्षेत्र में विकसित समझा जाता तो हमें इस समझ पर आधारित है कि आय से अधिक मानवीय आवश्यकताओं को सभी वस्तुओं का अधिक होना चाहिए। ठीक, जो लोग पसंद हैं, जो लोग उनके पास होना चाहते हैं, उन वस्तुओं को अधिक आय के लिए प्राप्त करेंगे। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। कह रहे हम लोग क्या समझते हैं, ज्यादा आय महत्वपूर्ण रूप में एक अपना जो लक्ष्य है वो समझा जाता है। ठीक, आगे बढ़े। अब एक देश की आय क्या है, अंतरदृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसे हम कुल देश की आय ज्ञात होती है, लेकिन देशों के बीच में तुलना करने के लिए कुल आय इतनी उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग हो सकती है। कुल आय की तुलना करने के लिए हमें ज्ञात होगा कि क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग हो सकती है, कुल आय की तुलना करने से हमें ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या काम कर रहा है। हमको ये नहीं पता लगेगा जो एवरेज व्यक्ति है वो क्या वर्किंग कर रहा है, क्या एक देश के दूसरे देश से लागू लोग बेहतर हैं। इसलिए औसत आय की तुलना करते हैं, क्या करते हैं, इसलिए हम कंपैरिजन जो करते हैं इसलिए करते हैं, जो कि एक देश की तुलना कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, इसी एवरेज इनकम को हम क्या बोलते हैं, औसत आय, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक, ये हमको देखना है। तो औसत आय को एक बार देखिए क्या होती है, कैसे आय की तुलना करते हैं, कैसे विभिन्न देश, कैसे राज्यों में इनका आपस में कंपैरिजन है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड बैंक के अनुसार हम कैसे हम आय की तुलना करते हैं, या फिर हम हमारे देश में हम किसको गरीब मानते हैं, कैसे उसका कंपैरिजन होता है, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। देख लीजिए बच्चों, देख लिया इतना। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के अनुसार, एक रिपोर्ट आती है, डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक, देख लिया। चलिए एक बार जितना पढ़ा है पूरी पर आप लोग अच्छे से विचार करिए। कुछ धारणाएं हैं, कुछ बाप के क्रियाकलाप हैं, इनको देखिए। कह रहे कि एक जहाज ने 500 टन जहरीले अवशेष को लेकर एक शहर में कूड़े घर उसके आसपास में समुद्र में डाल दिया। यह अफ्रीका देश की आइवरी कोस्ट है, साउथ अफ्रीका में कोस्ट पड़ती है आइवरी कोस्ट, यहाँ कॉफी बड़ी अच्छी होती है। और अब कह रहे हैं अजबिदान जान शहर में खतरनाक जहरीले अवशेष से निकलने वाले धुएं में मिल गई, चमड़े की दरारें पड़ने लगी, बेहोश होने लगा और शिकायतें मिलने लगी। एक महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 200 अस्पताल में भर्ती हुए, इन विषालों के कारण इतने लोगों का इलाज हुआ। ये सारी चीजों पर आप इसे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के जो बाप के क्रियाकलाप हैं वो यहाँ इसमें संपन्न हुए। क्लियर है? तो एक बार हमने जितना पूरा लेक्चर पढ़ा है, पूरा देखा है, किसी को डाउट है मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई क्वेरी है, किसी का कोई डाउट है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत में गरीबी का मापक क्या है, देखिए विश्व बैंक को मैं आपको कल पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि आप सबसे पहले ये देखिए कि भारत में गरीबी का मापक क्या है, फिर वर्ल्ड बैंक की जो आपकी रिपोर्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके अनुसार हम कैसे मापते हैं कि कौन देश गरीब है, कौन अमीर है, कैसे हम अल्पविकसित या किसी को डेवलपमेंट मानते हैं, एवरेज इनकम क्या है, आपकी प्रति व्यक्ति आय इनकम क्या है, इन सभी को हम लोग देखेंगे।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।